मैं सत्यम आर्या, मेरा आज का टॉपिक है ग्राम पाठ बोरर, जिसको हम हिंदी में बोला जाता है चने के फली पेथक। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है क्राप को ही, क्योंकि ये क्या है, पॉलीफेगस नेचर का होता है। ये बहुत सारे क्राप को डैमेज करता है, मैक्सिमम लेग्यूमिनस के साथ साथ ये टोमेटो और भी जो वेजिटेबल हैं उनको, सोलनेसियस क्राप उनको भी डैमेज करता है। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ग्राम पाठ बोरर इसको हम चने का फली पेथक बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिकोअर्पा अर्मिजेरा। और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। किस ऑर्डर के अंतर्गत, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। फैमिली क्या हो जाएगा, नॉक्टिडाई हो जाएगा, नॉक्टिडाई हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपका इसका डैमेजिंग स्टेज क्या होता है, क्या डैमेज करता है, सभी तरह लार्वा डैमेज करता है। इस कीड़े का जो है कि सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला स्टेज कौन सा होता है, ये लार्वल स्टेज सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसके बाद हमने आपको बताया ये पॉलीफेगस नेचर को होता है, मतलब ये मोर देन क्राप, मोर देन वन फैमिली के क्राप को यह डैमेज करता है, बहुत सारे क्राप को यह डैमेज करता है, ये इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीफेगस नेचर का होता है। लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे एक बिना रेख खींचा हुआ है। इनकी लाइफ साइकिल ये चार अवस्थाओं में कम्प्लीट होती है, एक लार्वा, पीपा एंड एडल्ट। तो इसको हम बोल सकते हैं किस टाइप का लाइफ साइकिल है, कम्प्लीट लाइफ साइकिल है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें एक लार्वा, पेपर, एडल्ट, ये चार अवस्थाएं घटित होती हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो हेलिकोअर्पा अर्मिजेरा की जो लाइफ साइकिल है वो चार अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। अब हम देख लेते हैं, एक से शुरू करते हैं। एक क्या होता है, एक येलो कलर का, किस कलर का, येलोविश, येलोविश स्फेरिकल, येलोविश के साथ स्फेरिकल एक दिया जाएगा। टेंडर पोर्शन ऑफ द प्लांट, कहाँ पे, टेंडर स्टेम, टेंडर स्टेम ये एक दिया जाएगा। येलोविश कलर का स्फेरिकल होता है, टेंडर स्टेम पे ये एक लिंक किया जाएगा और ये एक दिया जाएगा जो कि प्लांट के टेंडर स्टेम पे येलोविश कलर का होता है, स्फेरिकल कलर का होता है। एक देने के बाद ये क्या करते हैं, इनका इनक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 2 से लेकर 4 डेज का होता है। मीन्स एक से लार्वा बनने का जो टाइम होता है वो एक देने के बाद लगभग 2 से 3 4 दिन तक लेता है एक से लार्वा बनने में। इसके बाद एक से लार्वा बनते हैं, लार्वा क्या करता है कि लार्वा जब इमर्ज करते हैं तो यह 30 लार्वा इमर्ज करते हैं तो ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं फीड द टेंडर पार्ट ऑफ द प्लांट, यह पौधे के टेंडर पार्ट को खाते हैं। इसके बाद ये क्या, किस पे अटैक करते हैं, पॉड पे अटैक करते हैं, किस पे, पॉड पे अटैक करते हैं, फली पर अटैक करते हैं, फली पर अटैक करते हैं। तो ये फली पर अटैक करते हैं, जैसे देख लेते हैं कि ये क्या है, एक फली है, फली में अटैक करेंगे तो ये लार्वा है, मना लेते हैं लार्वा, लार्वा क्या करते हैं, ये हो गया लार्वा जो एक अपने हेड की सहायता से, एक हेड की सहायता से इसमें क्या करेंगे, एक जोर लगाते हैं। तो इनके हेड के साथ, हेड इनका सर्कुलर होता है, इनके फली के ऊपर जोर लगाते हैं तो इनका हेड अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पर कैसा होल बनता है, सर्कुलर होल बनता है, सर्कुलर होल, मेक ए सर्कुलर होल। तो लार्वा का हेड पोर्शन इनसाइड द पॉड एंड रेस्ट बॉडी जो पीछे की बॉडी होती है, जो बॉडी बची होती है वो पीछे की तरफ जो है कि बाहर की तरफ होती है। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जाता है कि पॉड के ऊपर जो लार्वा होता है वो कैसा होल बनाता है, तो सर्कुलर होल बनाते हैं, कैसे होल, सर्कुलर होल बनाते हैं। तो लार्वा जो है कि पॉड के ऊपर अटैक करता है और मेक ए सर्कुलर होल बनाते हैं।
इसके साथ लार्वा का जो साइज होता है वो कैसा होता है, 30 to 34 mm लॉन्ग, 30 to 34 mm लॉन्ग होती है लार्वा की साइज। और लार्वा से पीपा बनने में जो टाइम लगता है वो आपका लगभग 18 से 21 दिन का टाइम लगता है, 18 से 21 दिन। तो लार्वा से पीपा बनने का जो टाइम है वो 18 से 21 दिन का टाइम लगता है। इसके बाद पीपा में चेंज होते हैं, तो पीपल पीरियड प्यूपेशन कहाँ होता है, प्यूपेशन इनका प्यूपेशन इन सॉइल में होता है, कहाँ पे होता है, सॉइल में होता है। प्यूपेशन पीपल पीरियड देख लेते हैं, तो पीपल पीरियड जो है कि लगभग 6 to 21 डेज का होता है, 6 to 21 डेज का होता है। तो एक से लार्वा बनने में 2 से 4 दिन का समय लगता है, लार्वा से पीपा बनने में 18 से 21 दिन का समय लग सकता है, और पीपा से एडल्ट बनने में 6 to 21 डेज का टाइम लगता है। तो अब ये भी पूछा जाता है पीपा प्यूपेशन कहाँ होता है, प्यूपेशन सॉइल में होता है। इसके बाद एडल्ट में चलते हैं, एडल्ट क्या होता है, एडल्ट में जो होता है वो किस साइज का होता है, मीडियम साइज का होता है, मीडियम साइज का होता है एडल्ट, मीडियम साइज विथ लाइट ब्राउन कलर, ब्राउन कलर के होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा लाइफ साइकिल ये कंप्लीट हुई। तो एक से लार्वा बनने में 2 से 4 दिन का समय, लार्वा से पीपा बनने में 18 से 21 दिन का समय, और पीपा से एडल्ट बनने में 6 to 21 डेज का टाइम लगता है। इसके बाद एडल्ट बनते हैं, फिर एडल्ट आगे चल के फिर लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई ये 4 अवस्थाओं में, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब हम देखते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एच ए एन पी वी एट द रेट ऑफ 250 से लेकर के 250 LE जो है कि पर हेक्टेयर की दर से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा क्या है, इसके साथ दूसरा जो यूज किया जाता है वह फेनवरलेट 250 ml 20 EC या कर सकते हैं साइपरमेथ्रीन 200 ml 25 EC का, 200 ml 25 EC का 650 liter वाटर, 650 liter वाटर है। और इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं कंट्रोल, तो एच ए एन पी वी का एट द रेट 250 से 250 ml पर हेक्टेयर की दर से यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा फेनवरलेट 250 ml 20 EC का, या साइपरमेथ्रीन 200 ml 25 EC का 650 liter 650 लीटर वाटर में घोल करके पर हेक्टेयर दर से स्प्रेइंग कर सकते हैं एट पॉट फॉर्मेशन के समय। तो इस प्रकार से हमारा ग्राम पॉट बोरर का लाइफ साइकिल समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।